अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यू टैलेंट में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज हम दहम जमात की इंग्लिश की पहली पोयम जिसका उन्वान है अ टीनेजर्स प्रेयर, उसका मुताला करेंगे। इसके शायर है जे मॉर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Each day brings new beginnings. Decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. या शायर कहते हैं कि हमें हर रोज एक नई उम्मीद हासिल होती है। सुबह का सूरज हमारे लिए एक अलग दिन लेकर आता है और हम हर रोज कुछ अलग करते हैं और हमें ये खुद ही डिसाइड करना होता है कि हम किस रास्ते को चुनेंगे। ये चुना हुआ रास्ता ही हमारे मुस्तकबिल का फैसला करता है। I can choose to take the road of life that lead to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. यह शायर एक नौजवान की जिंदगी की परेशानियां बयान कर रहा है। हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का रास्ता और एक बुराई का रास्ता। अगर वो अच्छाई का रास्ता चुने तो वो बहुत तरक्की पा सकता है और कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर वो बुराई का रास्ता चुने तो जिंदगी में सिवाय उदासी, मायूसी और नाकामी के उसे कुछ हासिल नहीं होगा। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। यह शायर दुआ करता है कि ए खुदा, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं सच देख सकूं, सही नजर आए, यानी मुझ में सही और गलत की तमीज डाल दे और मुझे उस काबिल बना कि मैं हमेशा सच का साथ दे सकूं और हमेशा अच्छाई के लिए खड़ा रह सकूं। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। यह शायर खुदा से हिम्मत मांगते हुए कहता है कि मुझे कुव्वत देना कि मैं बुराई की मुखालिफत कर सकूं, जब जुल्मत मुझ पर हावी हो तब मैं उसकी मुखालिफत करूं और इस तरह मुझे अंदर से और बाहर से पाक कर दे ताकि मैं अपनी जिंदगी को कामयाबी से जी सकूं। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. और जब मेरी टीनेज लाइफ खत्म हो जाए और मैं जिंदगी के आखिरी लम्हों में रहूं और अपनी जिंदगी को मुड़ कर देखूं तो मुझे ये महसूस हो कि हर वक्त खुदा का साया मुझ पर था और उन्हीं की निगरानी में मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। चलिए तो अब इसका अप्रिसिएशन लिखते हैं। अप्रिसिएशन लिखने के लिए आपको इस टेबल को ध्यान में रखना होगा जिसके पॉइंट्स मुताबिक इस तरह है कि टाइटल यानी नज़म का उन्वान, पोएट यानी शायर, राइम स्कीम उस पोएम की क्या होगी, फेवरेट लाइन यानी आपकी मन पसंदीदा शेर जो भी होगा, थीम और सेंट्रल आइडिया यानी उस पोएम में क्या बयान किया गया है, उस पोएम में बयान की गई एक फिगर ऑफ स्पीच, स्पेशल फीचर यानी उसकी खूबियाँ क्या है और वाई आई लाइक और डिसलाइक द पोएम यानी आपको वो पसंद आई है या नहीं और क्यों। इसमें एक बात जो है वो नोट करने की है कि आप स्पेशल फीचर और वाई आई लाइक दिस पोएम ये एक प्रॉपर और आइडियल पैराग्राफ बना लीजिए और उसी को एकदम मजबूती से याद कर लीजिए क्योंकि वही पोयम एक ही आएगी पेपर में और उसी को लिखना बेहतर होगा। तो चलिए हम अपना अप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। अप्रिसिएशन में सबसे पहले रहेगा टाइटल। इस पोयम का टाइटल है अ टीनेजर्स प्रेयर। उसके बाद पोएट इस पोयम के शायर है जे मॉर्स। उसके बाद राइम स्कीम जो है वो इस पोयम की है ए बी सी बी और वो इस तरह है, एक मिसाल देख लीजिए, इसको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फेवरेट लाइन, आपकी जो भी पसंदीदा लाइन होगी वो आप यहाँ लिखिएगा।
उसके बाद इसके मेन आइडिया यानी थीम और सेंट्रल आइडिया है, द पोयम इज़ अ प्रेयर, द थीम ऑफ द पोयम इज़ अ डिलेमा ऑफ टीनेजर अबाउट मेकिंग राइट डिसीजन. पोयम टेल अस दैट वी शुड बी रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड हैव फुल फेथ इन आर सेल्फ एंड गॉड. पोएट अवेयर इज नॉट ओनली अबाउट पॉजिटिव बट ऑल्सो अबाउट नेगेटिव थिंग्स. इसके बाद यहाँ फिगर ऑफ स्पीच दिखाई गई है, यहाँ चार दीवी है, आपको पेपर में सिर्फ एक ही लिखनी है जो भी आपको ईजी लगे. इन्वर्जन है, अपोस्ट्रॉफ, एलिट्रेशन और मेटाफोर. इसके बाद स्पेशल फीचर, द पोएट हैड यूज्ड वेरी इफेक्टिव लैंग्वेज, द पोएट हैड यूज्ड सिंबलिक बट सिंपल लैंग्वेज, द यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एड्स टू द ब्यूटी ऑफ पोएम, द पोएम हैज़ वेरी नाइस राइम एंड रिदम, द पोएम इज रिच इन राइम एंड रिदम, द पोएट्स इमेजरी अपील्स बोथ द माइंड एंड द ब्रेन. इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. व्हाई आई लाइक और डिसलाइक द पोएम, आई लाइक द पोएम वेरी मच, द पोएट एंटरटेन एज वेल एज गाइड मी, द पोएम इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट डिस्प्ले अ नाइस इमेजिनेशन, इट गिव्स अ यूजफुल मैसेज टू द रीडर, ही मेक्स द रीडर टू थिंक ओवर मैनी पॉइंट्स, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द पोएम. ये बहुत बड़ा है, इसके मुताबिक आप छोटा भी लिख सकते हैं. तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.